नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार स्कूलों को तकनीक के साथ जोड़ने जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शिक्षकों को भी शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों फिलो पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को इस नई तकनीक का लाभ मिलने वाला है। बता दें कि बिहार में कोरोना काल के दौरान तकनीक आधारित शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस मौके पर बोलते हुए बिहार का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 93,060 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और वाईफाई की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में यह बताया गया है कि शिक्षकों छात्र छात्राओं को फिलो शब्द का अर्थ समझते हुए कहा कि फिलो एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है कि फ्रेंड यानी कि दोस्त। ऐसे में सरकार ने सभी छात्र छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी बताया गया है कि ऐप पर सवाल पूछते ही 60 सेकंड के अंदर छात्रों को ट्यूटर जुड़ेंगे और उसके सवाल का जवाब दे सकेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि क्लासरूम के दायरे से बाहर जाकर छात्र छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस ऐप से बिहार बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ आप जो है जेई मेन्स और नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय सरकारी स्कूल के छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान निजी स्कूलों में तो ऑनलाइन पढ़ाई सुविधा बहाल हो गई थी, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्रों के पास काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सरकार के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए काफ़ी राहत पहुंचाने वाला होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिहार सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद से सरकारी स्कूल के छात्रों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। बता दें कि बिहार में जहाँ छात्रों को स्मार्ट क्लासरूम ठीक से नहीं मिल रहा है, ऐसे में सरकार फ्री में ऐप के माध्यम से ट्यूशन देने की बात कर रही है। सरकार की इस योजना से बिहार के छात्रों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। छात्र अब डिजिटली पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।